पेट्रोल डीजल के बाद अब एलपीजी दामों ने छुआ आसमान। गैस के दामों में 7 महीने में हुई 250 रुपए की बढ़ोतरी। पहले से ही कमर तोड़ महंगाई से करा रही आम जनता को जुलाई महीने के पहले ही दिन केंद्र सरकार ने एक और जबरदस्त झटका दे दिया है। बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए की भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से आम आदमी का पहले से ही कचूमर निकला हुआ था। उसके बाद दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी और अब ये एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी। अब 1 जुलाई से बिना सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों के लिए आपको 25 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। वहीं व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में भी 76 रुपए का इजाफा किया गया है। जुलाई का महीना शुरू होते ही आम आदमी की जेब पर इसे बड़ा सरकारी हमला माना जा रहा है। सरकार का मन इतने से ही नहीं भरा है। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने पैसा निकालने पर चार्ज बढ़ा दिया है। अब कोई भी ग्राहक 1 महीने में 4 बार ही अपने पैसे बैंक से निकाल पाएगा। आपको बता दें कि एलपीजी सिलेंडर 7 महीनों में 350 रुपए की दर से बढ़े हैं। जी हाँ, ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस वर्कर श्रीवस्त ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 7 महीने में एलपीजी के दाम 350 रुपए बढ़ गए हैं। अब बताइए, आम आदमी खाए क्या और कमाए क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे कसम ही खा ली है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वहीं इस पर रीट्वीट करते हुए लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी है। एक यूजर बढ़ते दामों पर कमेंट करते हुए लिखते हैं, मौत का सौदागर, हम भारतीयों को अपने पुराने दिन वापस कर, नहीं चाहिए तेरे अच्छे दिन। अविनाश गर्ग नाम के यूजर लिखते हैं कि क्या इन्होंने साबित नहीं कर दिया कि ये देश के सबसे बड़े झूठे हैं और इन्होंने हर एक को बेवकूफ बनाया है, मतलब बचपन से ही झूठ बोलने की आदत है। निशा मल्होत्रा नाम की यूजर लिखती है, साहिब को कांग्रेस मुक्त भारत, पत्नी मुक्त जीवन, विरोध मुक्त संसद, प्रेस कॉन्फ्रेंस मुक्त मीडिया, ऑडिट मुक्त फंड और दिमाग मुक्त भक्त चाहिए। इद्रिस अहमद नाम की यूजर लिखते हैं, घर घर खोदी, अब कैसा लग रहा है मेरे देशवासियों, अच्छे दिन झेलो, अगर जरा से भी बुद्धि है तो इनको वोट देना बंद करो, वरना भूखे मर जाओगे और तैरते मिलोगे। नेहा नाम की यूजर लिखती है, जीना हराम कर रखा है, मर जाए क्या हम सब गरीबी, बेरोजगारी और भूख से। वहीं राकेश रायजादा नाम के यूजर लिखते हैं, जब तक हर देशवासी की हालत ऐसी ना कर दे तब तक मोदी जी चैन से नहीं बैठने वाले। वहीं श्रीनिवास करकला नाम के यूजर लिखते हैं, वो खूब खाता है, खाने नहीं देता है। वुमेन ऑफ INC नाम की यूजर लिखती है, मोदी सरकार ने मुफ्त में LPG सिलेंडर बांटे थे, अब वो अपना सारा पैसा वसूल रहे हैं, बताइए शर्म तक नहीं आती। वहीं न्यूज एजेंसी ANI का 2013 का ट्वीट भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें मोदी एक रैली में बेशर्मी से विपक्ष से कहते नजर आ रहे हैं कि मैडम सोनिया जी, आपने गरीब की रोटी छीन ली है, जनता जवाब मांग रही है। वहीं 2013 की हुंकार रैली में मोदी आगे कहते हैं कि गरीब हिंदू और गरीब मुस्लिम को गरीबी से लड़ना है, एक दूसरे से नहीं। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।